हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट। कल मैं एक वीडियो अपलोड करना चाहता था, लेकिन बिकॉज सम टाइम कंस्ट्रेंट में अपलोड नहीं कर पाया, तो वो वीडियो मैं आज बना के कर रहा हूँ। कि इसमें एक्चुअली दो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं आज जेके बॉपी के थ्रू। फर्स्ट जो है वो है कि जो आज की जो काउंसलिंग है फॉर द GNM कोर्स, उसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स है फॉर द ओपन मेरिट वो अब कोई नहीं रही है। खाली 6 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द ओपन मेरिट, बट वो भी PWD की सीट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं GNM की बात करूँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की, तो यहाँ पर अभी कोई भी सीट्स, जो बिगेस्ट अपडेट है वो ये है कि अभी कोई भी ओपन मेरिट में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर हम कैटेगरीज की बात कर लें तो स्टिल देर आर 26 नंबर ऑफ सीट्स आर स्टिल प्रेजेंट इन द कैटेगरी इन डिपार्टमेंट। वेर एज अगर मैं उसको सब डिवाइड करूं, तो अगर SC में इसमें अभी 2 सीटें हैं, ST में 2 सीट्स और अवेलेबल, OSC में कोई सीट नहीं है, ALC में भी कोई सीट नहीं है, RBA में भी कोई सीट नहीं है, CDP में अभी देर आर 13 सीट्स आर देयर। ठीक है, उसके बाद SP की अगर हम बात करें, SP में हमारी 8 सीट्स आर देयर। ठीक है, एंड JKPM जिसमें स्टिल देर आर 1 सीट आर स्टिल प्रेजेंट इन इट, एंड PSP में भी PSP में कोई सीट अभी अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम आगे फर्दर चलें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बहुत ही ज़्यादा सीट्स आर गोइंग टू बी फिलिंग अप वेरी फास्ट, बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा अपनी जो इनकी स्ट्रेंथ थी उससे 50% आई ऑलमोस्ट 40-50% दे हैव ऑलरेडी फिल्ड अप। तो स्टिल मैं जो मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि अभी 2 दिन और काउंसलिंग चलनी है, गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, डू नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर और यू आर गोइंग टू ड्रॉप दिस ईयर, अदरवाइज यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। इट इज़ माई ओपिनियन, बाकी आपका रेस्ट इज़ योर डिसीजन, बट नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिशन विल बी मच टफर। इस साल 13,000 प्लस कैंडिडेट थे, अगले साल और बढ़ जाएंगे। लास्ट ईयर 8,000 से 9,000 के बीच में थे, इस साल 13,000 आ गए, अगले साल के अब तो 19,000 पहुँच जाएँ, फिर क्या करोगे? परसेंटेज तो उन्होंने 12th बेस पे लेनी है, अगर एंट्रेंस नहीं हुआ, अगर ज़्यादा हो गए तो क्या होता, नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस भी कंडक्ट कर लें, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर कॉम्पिटिशन विल भी टफ, और अगर एंट्रेंस भी हुआ तो भी क्या श्योरिटी है कि आपका अच्छा स्कोर आएगा? या अगर चलो आ भी सकता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आग नहीं आया फिर तो यू विल वेस्ट योर टाइम। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, गो फॉर इट। देखिए, और आई थिंक ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें काफ़ी सारी सीट्स हैं, 100+ सीट्स हैं, 76 सीट्स इसमें रह गई हैं। ठीक है, नियर मार्बल मार्केट त्रिकुटा नगर की बात कर रहा हूँ, बाकी इंस्टीट्यूट्स आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा अब अवेलेबिलिटी है सीट्स की स्टिल इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। ये जो इंस्टीट्यूट अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये दे आर बिलोंगिंग टू जम्मू डिवीज़न। आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसको आगे फर्दर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये आज का सीट मैट्रिक्स है, जो लोग आज सुबह काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा पॉज करके आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने इस सीट मैट्रिक्स का जो PDF है वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। आप मुझे उधर भी तीनों जगह पर फॉलो कर सकते हो, उधर भी मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ, स्पेशली जो जॉब रिलेटेड अपडेट्स है वो मैं अपने इंस्टा पर देता रहता हूँ। इंस्टा जो मेरा हैंडल है वो है JK वैकेंसीज अपडेट, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। और कुछ जैसे आप ये देखिए कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, और अगर मैं एक चीज़ और बताऊं, जो कश्मीर डिवीजन के इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वो तो ऑलमोस्ट प्राइवेट भी फिल अप हो चुके हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो दे आर ऑलमोस्ट फिल्ड अप कम्प्लीटली। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है ये सारा। तो उसके बाद यहाँ पर ये 17 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग, बाकी ऑलमोस्ट सारा फिलअप हो चुका है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी अगर हम टोटल सीट्स की बात करें, टोटल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो सीट्स अभी स्टिल दे आर पेंडिंग, देर 1425 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग, गो फॉर इट। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कश्मीर डिवीजन के ऑलमोस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी फिलअप हो चुके हैं कश्मीर डिवीज़न के, और अगर कश्मीर डिवीज़न में अगर स्टिल स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर अपॉर्चुन मतलब देयर सीट्स, गो फॉर द जम्मू इंस्टीट्यूट्स।
अभी भी जम्मू इंस्टीट्यूट्स में 1400 जो हैं सीट्स आर स्टिल अवेलेबल, गो फॉर इट, अदरवाइज़ ये भी फिलअप हो जाएंगी और वेरी सून इसमें भी सीट्स नहीं बचेंगी। हाँ, बाकी जो रहा पैरामेडिकल की काउंसलिंग, वो स्टार्ट होने वाली है, आई थिंक 20 से, मे बी 20 से स्टार्ट हो रही है वो, जैसे ही ख़त्म हो रही है उसके बाद 20 से स्टार्ट हो रही है। और आई होप जैसे ही इसकी काउंसलिंग ख़त्म होगी 12th बेस पैरामेडिकल की, मुझे ऐसा लगता है कि 10th बेस पैरामेडिकल की भी काउंसलिंग, जो लास्ट काउंसलिंग अब स्टिल जो रहती है वो भी फिलअप हो जाए, मतलब लास्ट काउंसलिंग अप्रॉक्सीमेटली मेडिकल इसमें जो है वो भी वो स्टार्ट कर देंगे और उसको भी करके इसको वाइंड अप करेंगे इस साल के, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से, अब नेक्स्ट ईयर के जो कोर्सेज हैं उनके फॉर्म्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि जो 10th बेस पैरामेडिकल की जो मेरे डेली बेस पे इतने मैसेज आ रहे हैं वो भी वो लोग अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों में। ठीक है, जो सेकंड अपडेट जो अभी निकल के आ रही थी इसमें आपको वो भी बता देता हूँ, वन सेकेंड। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड अपडेट जो निकल के आ रही है, डैट इज़ द प्रोविजन मेरिट लिस्ट ऑफ द आयुष एंड बीपीटी कोर्सेज जो फिलअप करने हैं बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग द सीट्स ऑफ द ऑल इंडिया कोटा, ऑनलाइन काउंसलिंग देयर ऑफ द आयुष की और बीपीटी की जो काउंसलिंग है, आई थिंक इनकी प्रोविजन मेरिट लिस्ट इन्होंने रिलीज कर दी इस नोटिफिकेशन में, और उसकी आई थिंक काउंसलिंग है वो भी ये ऑनलाइन दे आर गोइंग टू कंडक्ट फॉर द ऑल इंडिया कोटा सीट्स एज वेल एज द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सबके लिए। और आई थिंक ये जो है फिलिंग अप द आयुष, हाँ ये ऑनलाइन रहेगा 19 से 22nd तक। ठीक है, ये आपने इसका अपने जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी फिलअप फॉर द आयुष एंड बीपीटी सीट्स इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया कोटा सेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 19th of December से 22nd तक ये वो करेंगे, दे आर गोइंग टू कंडक्ट द क्या कहते हैं काउंसलिंग। ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपलोडेड देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 12th मार्क्स कार्ड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग इन केस ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स टू देम, दे मे हैव टू प्रोड्यूस द सेम इन द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द अदर रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, फेलिंग विच देयर प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट सिलेक्शन शैल बी कैंसल्ड ऑन देयर ओन रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर उन्हें बता दिया है कि आपका जो 12th का मार्क्स कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, वो यू हैव टू, अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो स्टिल योर नेम इज़ देयर इन द काउंसलिंग लिस्ट, आपको चांस दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, यू हैव टू सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स टू द इंस्टीट्यूट, अदरवाइज दे आर गोइंग टू मे बी कैंसिल देयर एडमिशन प्रोसेस। द कैंडिडेट हुए ऑलरेडी पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ द MBBS BDS नीड नॉट टू पे एनी काउंसलिंग फीस, उन्होंने बोल दिया है कि जिन्होंने MBBS BDS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था वो दोबारा उनको फीस देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, द कैंडिडेट्स हुए रजिस्टर ए फ्रेश शेल हैव टू पे ऑनलाइन ऑफ 1500 ड्यूरिंग ऑनलाइन कॉस्टिंग, आपको 1500 यू हैव टू पे। द कट ऑफ स्कोर फॉर द ओपन मेरिट है वो है 117, रिजर्व कैटेगरी के लिए इंक्लूडिंग लद्दाख एंड अदर JKPM CDB स्पोर्ट्स कैटेगरी PNB EWS इज 93, ओपन मेरिट के लिए 105 है। ठीक है, तो ये अभी है इनके पास। दे कैंडिडेट इन देयर ओन डिटेल्स एडवाइस टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द ई ब्राउचर फॉर सबमिशन सबमिटिंग द ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म, द कैंडिडेट ऑल्सो लॉकिंग द प्रेफरेंसेज मेकिंग द पेमेंट कैन नॉट मॉडिफाई द प्रेफरेंसेज अनलेस दे अप्रोच द बोर्ड ऑफिस एट श्रीनगर जम्मू एंड आर परमिटेड टू डू सो बाय द बोर्ड। 10 सीट मैट्रिक्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, सीट मैट्रिक्स का भी मैं अपडेट आपको जैसे ही वो आएगा वो मैं आपको अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, बाकी मैं अपने वीडियो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आपको अपडेट दे दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं काली सब्सक्राइब मेरे चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, डेली बेसिस पर वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ स्पेशल फॉर द JNK स्टूडेंट्स। द कंडीशन नॉट मैंशन हेयर विद हेयर इन अबाउ अबाउट द अबाउट अदरवाइज नोटिफाइड बाई द बोर्ड थ्रू द वेरियस नोटिफिकेशन ऑन द सब्जेक्ट विल बी एप्लीकेबल टू द काउंसलिंग एडमिशन सीट्स अंडर द BPT इन कंपोजिट रीजन सेंटर CRC श्रीनगर शेल नॉट बी फिल्ड ड्यूरिंग दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट आई थिंक इनकी जो सीट्स हैं वो इस राउंड में फिलअप नहीं होंगी। तो ये आई थिंक कल का नोटिफिकेशन था, ये आ गई आपकी प्रोविजन मेरिट लिस्ट जिसमें आपका रोल नंबर, नेम, जेंडर, रैंक, मार्क्स, नीट मार्क्स, कैटेगरी, यूटी रैंक भी यहाँ पर दिया गया है।
तो फ्रेंड्स बाकी इस काफ़ी लंबी लिस्ट है, 115 पेजेस की लिस्ट है, तो मैं ये अपडेट ये इस पीडीएफ को मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो काइंडली मुझे उधर भी फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज टू अपडेट्स ऑन माई थ्रू दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेरी सुन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव।